आप सभी को मेरे प्यारे प्रणाम। मैं रुद्रियाल आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है विरासत ग्राउंड, विरासत मेले से अंबेडकर ग्राउंड, जो कि ONGC में है। और आज है संडे का दिन और हम पहुँच चुके हैं सुबह मॉर्निंग में ही, 9:30 का टाइम हो रहा है। इस टाइम पर काफ़ी भीड़ लग चुकी है और हम आए हैं क्योंकि आज है यहाँ पर वेंटेज कार रैली। यूनिक मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक मॉडल है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान मोटर की गाड़ी से, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी फेमस गाड़ी है। एक तो एम्बेसडर है, दूसरी है कॉन्टेसा, तो कॉन्टेसा दिखाता हूँ और वो भी देहरादून नंबर में, UK 07 का नंबर लगा हुआ है इस पर। एसर का ट्रक देखो, यहाँ पे देखो मर्सिडीज की कोई पुरानी गाड़ी है और वो भी देहरादून नंबर, उत्तरांचल नंबर में, UA 07 में दिखाता हूँ। ये देखो अल्टीमेट गाड़ियाँ आ रखी हैं वेंटेज कलेक्शन में, एक तरफा गाड़ियाँ, और देहरादून की हैं आधी सी जाती हैं। देहरादून वालों में भी इतना बढ़िया कलेक्शन है, मस्त यार, अच्छा लग रहा देख के। ये इतनी बेहतरीन गाड़ियाँ, ये देखो पहले की मूवी में दिखते थे राजा महाराजा आते थे जिसमें। ये देखो एक और UK 07 रजिस्टर्ड गाड़ी।
अभी हम आ चुके हैं थानो रोड पे, स्टेडियम की साइड। यहाँ पे है देहरादून का स्टेडियम, और विरासत से तो आ गए थे हम। तो आप लोगों ने देख लिया होगा विंटेज कार का जो कलेक्शन है देहरादून का, क्या भयंकर है। और बाइक और स्कूटर भी आ रखे थे वहाँ पे, पुराने काफ़ी, एक दो तो एंटिक थे, बाकी नॉर्मल दिख जाते हैं स्कूटर तो। और गाड़ियाँ अल्टीमेट रॉल्स रॉयस की, इतनी बेहतरीन गाड़ी थी ना उस टाइम की, और मर्सिडीज़ की सबसे बेस्ट लगी मुझे हिंदुस्तान मोटर वाली कॉन्टेसा, एक ऑरेंज कलर में थी और एक रेड कलर में, बेस्ट गाड़ी। इसे अभी पैलर पार्किंग तो करवा दी यहाँ पे, तो हमने पूरे निशान लगा रखे हैं, तो पैलर पार्किंग कर रहा है ये देखो भाई, हमने इसे परफेक्ट बना दिया यहाँ पे। ये देखो एट भी बन गया, पैलर पार्किंग भी होगी। देखना बैंक क्या धूल उड़ा रहा है यहाँ, ऑल्टो का धुआं बना रखा है इसने, खुद इसने वहाँ गाड़ी। अरे इसको छोड़ो, यहाँ का मौसम देखो क्या बढ़िया, धूप एकदम मस्त निकल रखी होने लग गई है। ये भी निकल गया बाहर वहाँ पिंजरे से, और ये स्टेडियम वाला रोड कुछ ऐसा, ये देखो एड बना रहा है रिवर्स में, गड्ढे में डाल दी इसने स्टार्टिंग में। सचिन को बुला भाई, सचिन देखो भाई, ओला के रिव्यू करने आ रखे हैं शायद यहाँ पे लौंडे, ये रुद्रियाल के कैंटी है। यहाँ पे कर रहे हैं हम पैलर पार्किंग, टायर नहीं लगना चाहिए, अबे बहुत ज्यादा बाहर काट दी तूने। समझ रहे हो ना गलती कैसे छुपानी है। अब देखते हैं, घुमा, बहुत लेट घुमा रहा, ये मत होती है, इतना भी नहीं रहता। नहीं ये सही है, परफेक्ट लौंडे भाई। मत कर यार, ये ना बैग के लौंडा बैग गया। ओ भाई भाई भाई, ओ ड्रिफ्ट मत मार दी, ऑल्टो है ये, ओ गाय माता भाई, यहाँ पे रील रूल बनाने आ रखे क्या ये, खुद ब्रेक ले लेगी क्या, खुद ही स्टीयरिंग चल रहा है। बेटा इसे स्टाफ के चक्कर में मत रहा, ये कहाँ चढ़वा देगा गाड़ी पता भी नहीं चलेगा, ये पैदल नहीं चल पाता गाड़ी क्या चलाएगा। ओ अबे अबे अबे, सारे एट यहीं बनाएगा क्या, मैगी वाला बता रहा मुझे, ये कह रहा नहीं। मौत का कुआं बना रखा है यहाँ, अबे मेन रोड है यहाँ, मत कर यहाँ। लाइसेंस है इस पे जी, 100 ले लो सर, 100 बात कर लो घर में जरा। हाँ हो गए, वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। नीचे जाने का रास्ता, नीचे जाने का रास्ता कहाँ से, यहाँ से नदी में जाने का रास्ता, लोकल है हम बता दो, फिर भी खोल देगा वो खुद ही है। खा गया तो वो ऊपर से आ गए, जाना मना तो नहीं है, क्यों होगा जाना मना, वो वहाँ लोग वहाँ चिकन चुकन बना रहे हो सामने। ये देखो भाई नज़ारा कुछ माल देवता का ऐसा, क्या बढ़िया ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आज हमें इस जंगल में रात बितानी है, ये नदी, सबसे पहले नदी ढूंढने, नदी के किनारे आगे तो आपको सारी चीज़ें लगभग मिल ही जाएगी भाई। इन्हें इन पे मत जाइए, टोनी टोटके भी कर रहते हैं यहाँ नदियों में। ये देखिए यहाँ पे हाथी का गोबर पड़ा हुआ है, पानी कितना साफ है, और हमें यहाँ पे कुछ हाथियों के पाँव के निशान भी देखने को मिले हैं। हम इंसानी बस्ती से करीब 50-60 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं, इन जंगलों के बीच हम नदी किनारे निकले हैं। बोट ढूंढने के बाद हमें नदी का किनारा मिला है, और यहाँ पे देखिए ये सोंग नदी बहती है इस जंगलों के बीच में, और ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए राजा जी नेशनल पार्क होते हुए ऋषिकेश
और उधर हरिद्वार होते हुए गंगा में मिल जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज है, पानी नदी को क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय अक्सर यहाँ आपको हाथी, तेंदुआ, हिरन तो आपको अभी भी दिख जाएंगे। अगर हम इस जंगलों में अभी अंदर जाएंगे तो यहाँ हिरन देखने को आसानी से मिल जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं इंसानी बस्ती के करीब। काफ़ी चलने के बाद लगभग हम 50 से 60 किलोमीटर पैदल चल के हमने नदी का किनारा ढूंढा है और अब हमें यहाँ से थोड़ी आवाज़ आने लगी है और हमें एक दो बंदे पीछे दिख रहे हैं। लगता है हम इंसानी बस्ती में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी और मेहनत है फिर हम इन जंगलों से बाहर निकल पाएंगे। हम ये पूरा ये जो बड़ा सा जंगल इधर देख रहे हैं इसको पूरा क्रॉस करके आए हैं। करीब दो पहाड़ 50-60 किलोमीटर के करीब चल के आए हैं और जाके हमें यहाँ पे थोड़ा पानी मिला, हमने हाथ पैर धोने की प्यास बुझाई और अब हम चल रहे हैं आगे के लिए। जल्दी हम किसी इंसानी बस्ती या किसी नगर के किनारे पहुँच जाए जिससे हमें रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। तो चलो आयुष बियर गिल्स और हमें दो बंदे दिख रहे हैं आगे, तो लगता है हम पहुँचने वाले हैं रूम नदी के किनारे और हमें ये नदी अभी क्रॉस करनी है। जंगल के बाद हमें सामने की साइड रोड दिख रही है जहाँ लोगों का काफ़ी आना जाना हो रहा है, तो अगर हमने ये नदी क्रॉस कर दी अगर चाइना है पहुँच जाएंगे किसी शहर तक। चाइना तो उस पहाड़ी के पीछे ये देखिए, ये हमारे साथ गाइड है, यहाँ से चाइना के जाए पाकिस्तान में घुसा देंगे अगर इनकी बातें हमने सुनी। वैसे चाइना है उस पहाड़ी के पीछे, हमें बस ये इतनी भयंकर जो नदी है अरे हम यहाँ पे हाथ हो रहे हैं, ये भयंकर सी नदी क्रॉस करनी है उसके बाद हमें रोड मिल जाएगी। देखो नेपाल के घोड़े दिख रहे हैं यहाँ से नदी के उस साइड, लगता है हम बॉर्डर के पास पहुँच चुके हैं। और ये देखो पानी काफ़ी ज़्यादा है, हमसे ये नदी क्रॉस नहीं हो पा रही है, बहने वाला था ये। अभी हम पहुँच चुके हैं इंसानी बस्ती में और हमें यहाँ पे एक भाई मिले हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दी है। हम फाइनली जंगल क्रॉस करके पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग था कुछ ऐसा, बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड।